चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे खनिजों से भरे हुए तिब्बत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही सोने की खुदाई को सही ठहराते हुए कहा कि यहाँ भूवैज्ञानिक गतिविधियां चलाना उसके अधिकार क्षेत्र में है। अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर चीन के लुंज काउंटी इलाके में चीन ने बड़े पैमाने पर सोना, चांदी और अन्य खनिजों के खनन का काम शुरू किया है। इनकी कीमत करीब 60 अरब डॉलर बताई जा रही है। चीन की ऐसी हरकत से एक बार फिर सीमा पर तनाव बढ़ने के आसार पैदा हो गए हैं। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर अपना दावा जताता रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कॉन्ग ने हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मैंने भी इस रिपोर्ट के बारे में सुना है। इसमें जिस क्षेत्र का जिक्र किया गया है वह चीन का ही है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर चीन का दावा जताने की कोशिश और तीव्र निर्माण गतिविधियों के चलते यह इलाका दूसरा दक्षिण चीन सागर बन सकता है। हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिक और सामरिक मामलों के विशेषज्ञों ने इलाके का दौरा किया था। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस इलाके में तेजी से आधारभूत ढांचा विकसित कर रहा है। लू ने कहा, भारत चीन सीमा को लेकर चीन का रुख एकदम साफ है। चीन तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई अनौपचारिक बैठक के कुछ हफ्तों बाद आई है।